नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बॉक्सिंग डे के 3 टेस्ट मैच खत्म होने के बाद दोस्तों पॉइंट्स टेबल क्या है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि कौन सी टीमें कौन से पायदान पे है। लेकिन आप इंडियन टीम को पसंद करते हो और आप चाहते हो कि इंडियन टीम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का चैंपियन बने तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि बॉक्सिंग डे पर 3 टेस्ट मैचों का आयोजन हुआ था जिसमें भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका बनाम श्रीलंका और न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान के मुकाबले शामिल थे, जिसमें 2 टेस्ट मैच तो चौथे ही दिन समाप्त हो गए थे। लेकिन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया टेस्ट 5वें दिन तक यानी 30 दिसंबर तक चला था। बॉक्सिंग डे पर खेले गए इन तीनों मैचों के परिणाम आने के बाद ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में टीमों की अब तक स्थिति इस प्रकार है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल के मुताबिक भारतीय टीम 30 पॉइंट की बढ़त के बाद दूसरे नंबर पर है और जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी भी नंबर 1 पर बरकरार है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खाते में 322 अंक और 76.6 के परसेंटेज ऑफ पॉइंट की प्रतिशत दर्ज है। वही टीम इंडिया के पास 390 पॉइंट के अलावा 72.2% पॉइंट है। यानी दक्षिण अफ्रीका की टीम 84 अंक और 28% अंकों के साथ 6वें, जबकि श्रीलंका की टीम 80 अंक 26.7% लेकर 7वें पायदान पर है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खाते में 360 पॉइंट हो गए हैं, वे 66.7 की प्रतिशत अंक के साथ तीसरे पायदान पर कायम है। वहीं 166 पॉइंट के साथ 34.6% अंक वाली पाकिस्तान की टीम 5वें नंबर पर बनी हुई है। शेष टीमों की बात करें तो इंग्लैंड 4थे नंबर पर, वेस्टइंडीज 8वें और बांग्लादेश 9वें स्थान पर काबिज है। अब बात करते हैं कि बॉक्सिंग डे पर खेले गए तीनों टेस्ट मैचों के परिणाम के बारे में। तो मेलबर्न में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर श्रृंखला में 1-1 की बराबरी की थी। ये 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच था जिसका पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता था। बॉक्सिंग डे पर दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को 1 पारी और 45 रनों की करारी हार सौंपी और श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाई है। ये सेंचुरियन की मेजबानी में खेला गया 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच था। तीसरा टेस्ट न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच माउंट मोंगनुई में खेला गया था जिसमें मेजबान न्यूजीलैंड ने 101 रन से अपने नाम किया। अब न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहता हूँ।